बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी हॉट टॉपिक बन चुका है। एक वीडियो है, बड़ी वायरल हो चुकी है, अमर लियाकत हुसैन साहब की, जिसमें वो एक डांस करते हुए पाए गए हैं। अमर लियाकत इज़ अ पर्सनैलिटी हु इज़ नोन फॉर हिज वेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, चाहे वो पोस्टिंग शो हो, वो आलम ऑनलाइन हो, दीन दुनिया बड़े साथ रखते हैं। बट कभी कभार आपको देखना पड़ता है कि दीन दुनिया कहाँ रख लें, किस साइड पे आपको बैठना पड़ेगा या कैसी हरकत करनी पड़ेगी जो आपको लेने का देने ना बन जाए। सो इससे पहले कि हम इस वीडियो पर डिस्कशन शुरू करें, आई रिक्वेस्ट काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को, आप लोगों तक पहुँच सकें, आप उस वीडियोज़ को देख सकें, आप उस वीडियोज़ को इंजॉय कर सकें और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी एंड से आप सबको मिल जाए जो आपके लिए, हमारे लिए, बोथ एंड्स के लिए बेनिफिशियल हो। सो आजकल ज़माना है टीआरपी का। हम लोग टीआरपी लेने के लिए काफ़ी हद तक गुजर जाते हैं, कभी गाड़ी के ऊपर नाच लेते हैं, कभी किसी टॉक शो में कोई ऐसी चीज़ ले जाते हैं किसी को ऑफेंड करने के लिए, और कभी कभार तो हद हो जाती है कि एक ऐसा मंथ, एक रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को रेक्टिफाई कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें, अपने आप के अंदर अच्छी हैबिट्स ला सकें। वी ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, वी ट्राई टू फिक्स आवर सेल्व्स, वी ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ गुड फॉर कम्युनिटी, दैट इज़ गुड फॉर द पीपल। मगर हम शायद भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अगर एक MNA, एक सेलेक्टेड MNA पार्लियामेंट का हिस्सा, जिसको लोगों ने कहा कि जी इसको आप MNA बनाएं, ये बोलता अच्छा है, जो आलम ऑनलाइन हो या कोई ऐसा होस्ट शो हो वो उसमें पीछे नहीं रहते, ऐसी हरकतें, ऐसी नासिबा हरकतें करेंगे, मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग ये हरकतें क्यों करते हैं, क्यों TRP के पीछे हम अपने आप को ही गंदा कर रहे हैं। और ऐसे बंदों के साथ तो मुझे बिल्कुल भी तवक्कु नहीं थी। पहले भी इन साहब की वीडियो एक वायरल हुई जिसमें वो पता नहीं कुछ अजीब अजीब से स्टंट्स कर रहे थे। चले भागना दौड़ना तो सेहत के लिए अच्छा है, बट एक ऐसे मंथ में TV चैनल पे आप एक आलम दीन हैं, आप लोग आपकी बातें फॉलो करते हैं, लोग आपकी चीज़ें फॉलो करते हैं, आज के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी चीज़ें फॉलो करेगा। TRP एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हमारे पाकिस्तान में बड़े से बड़ा फनकार, बड़े से बड़ा मीडिया पर्सन इसके आगे मजबूर हो जाता है, बड़े मजबूर हैं हम अपने आप को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर। मगर हमें देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी हरकत हमें हमारे गले का ना वो सांप बन जाती है, हमारे में वो तंग करना शुरू कर देती है, वो हरकत हम खुद ही करते हैं। रिसेंटली एक वीडियो में जब अमर लियाकत साहब को डांस करते हुए पाया गया तो लोगों ने बड़ा उस पर कहा, और मुझे भी वो चीज़ बड़ी अजीब लगी कि इतना प्यारा महीना है उसमें आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं और आपके जो एक्शंस होते हैं, आपके वर्ड्स होते हैं, उसमें इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों है, क्यों जो आप दिखाते हैं वो क्यों नहीं हो सकते हैं? तो दिखावा मत करें, आप दीन दुनिया की बातें तब करें जब आप खुद उस पर इम्प्लीमेंट करें, आप खुद उसका हिस्सा बने। वैसे अमर लियाकत साहब सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं, कोई चीज़ उनके सामने से गुजर जाए तो उसको तरकीब का निशाना ज़रूर बनाते हैं, पर वो भूल जाते हैं और वही हरकतें करते हैं, और खुद तब तक जब वो तनकीद का निशाना पे आते हैं तो उनको बहुत बुरी लगती है। मेरी रिक्वेस्ट है अपनी अथॉरिटीज़ के साथ, कैमरा के साथ स्पेशली, काइंडली कोशिश ना कर लें इस तरह की चीज़ें आप क्यों ला रहे हैं मंजर आम पर, और इस चीज़ का कुछ उसको नहीं ले रहे जब एक बंदा इतना बड़ा, फिर उसको खुद को भी एहसास होना चाहिए कि वो कैसी हरकत कर रहा है। बट हरकत भी कर दी, बदनाम भी हो गए, आपको सबक भी नहीं सीखा। देखिए ये चीज़ें इस मंथ में बहुत बुरी लगती हैं, स्पेशली ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, चाहे वो रमज़ान का मंथ हो, ईद का मंथ हो, कोई और भी मंथ हो, ये वो चीज़ें हैं जो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती हैं, लोग आपको मजाक बना सकते हैं, और आप तो एक इलेक्टेड मिनिस्टर हैं, आपको तो ऐसी हरकतें करना बड़ा एक नाजेबा हरकतें हैं जिसमें आप अजीब डांस मूव्स कर रहे हैं और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अजीब से लोग, आपको पता है कि मैं ऐसी हरकत करूँगा और वायरल होऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी हरकतें नहीं करते तो वो वायरल होते हैं, और जो वायरल होना चाहते हैं वही ऐसी हरकतें करते हैं कि हम वायरल हो सकें। सो खुदारा एक मॉर्निंग शो की आड़ में या एक रमज़ान ट्रांसमिशन की आड़ में
अपने आप का अंदर का जो आपके अंदर वो एक जज्बा अजीब सा भरा उसको कंट्रोल में रखें कि चीज़ें करते हुए अच्छी नहीं लगती, चाहे इसी जगह कोई और भी होता है। हम बाकी शोज में देखते हैं चल रहे हैं, लोग इंजॉय करते हैं, मन खला देखिए मस्ती करने से किसी ने नहीं रोका, आपको इंजॉय करने से किसी ने नहीं रोका, बट वो चीज़ें जो आपके ऊपर एक टार लग जाए, आपके ऊपर एक लेबल हो जाए, वो भी ऐसे मंथ में जब लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं, लोग बड़े पैशनेटली इबादत करते हैं, नमाज उसे रखते हैं, उनका पूरा फोकस होता है कि हल्की फुल्की इंटरटेनमेंट हो जाए, दैट्स इट दे वांट। बट जब आप इस चीज़ का एक ऐसा एस्पेक्ट ले आते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, और अगर मैं कहूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन में डांस किया गया तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल यही किया। तो आई गेस हमारे जो मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं उन अथॉरिटीज़ के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन चीज़ का एक्शन लें। आप जितने भी शोज़ हो रहे हैं उनको आप बकायदगी से देखें, क्या किस्म की हरकतें हो रही हैं इस पर नोटिस लें, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जब हम वायरल हो जाते हैं तब हमें एहसास आता है, शायद तब भी एहसास नहीं आता, गॉड नोज कि हम किसी कौन को एहसास कब आएगा, क्यों टी आर पी के पीछे इतने मजबूर हैं, क्यों चैनल को पॉलिसी के पीछे इतने मजबूर हैं कि हम लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं जो बड़ी गलत लगती हैं और उस पर जस्टिफाई भी नहीं करते हैं, उस पर कुछ कहते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास उस पर कुछ कहने का कुछ नहीं होता, हमें पता होता है हमने वो चीज़ गलत की है, वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो काइंडली ये चीज़ें एक आपने तो कर दी और हमने नहीं की, बट ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए कि इस तरह का एक मन चलता है जब आप बड़े ही पीसफुल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो तब ये नागिन डांस करवाना, वो भी जब आप कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क का गाना ना बजे, फ़लाँ मुल्क का झंडा ना नज़र आए, उसी गाने पर आप डांस करें, तो फिर आप खुद देखें कि आपकी अपनी सोच में कितना तनाज़ा है, आपके अपने दिल में कितना तनाज़ा है। आप जो कहते हैं कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, तो आपको या तो बिल्कुल एक फील पकड़नी चाहिए, अपने आपको टैग दे दें कि आज से मैं ये हूँ, या अपने को टैग दे दें आज से मैं ये, या तो आप होस्ट हो सकते हैं, या तो एक डांसर हो सकते हैं, या एक आईटी हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मिक्सअप करके अपने आपको स्टाइल दिखाने की मत सूरत करें, चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना हमें अच्छी लगती है, फिर एक बंदे के बारे में आप ये सोचते हैं कि ये तो कुछ भी हो सकती है, एक्टर है, क्योंकि एक एक्टर ही रूप धार सकता है, कभी वो सिंगर हो सकता है, कभी डांसर हो सकता है, कभी वो होस्ट हो सकता है, मगर एक होस्ट एक एक्टर नहीं बन सकता, एक सिंगर नहीं बन सकता, अगर वो अपनी फील्ड के साथ लॉयल है। तो काइंडली ये चीज़ें हो रही हैं, ये शोज पे चल रहा है नाच गाना, ये अच्छा नहीं लगता, स्पेशली ऐसे बंदे, ऐसे सीनियर बंदे जो कि जिन पे पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है, जो रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो सुनने में तुझे भी आ रहे थे, जो इस्लामिक की जो सबसे इन्फ्लुएंस करती हुई शख्सियात हैं उनमें से आमिर लियाकत हुसैन साहब भी एक हैं, तो ये सुन के बड़ी हंसी आती है और ताजुब होता है कि वो बच्चे जो बड़ी मेहनत करते हैं उनका तो कोई नाम नहीं है, और एक ऐसे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई बैकग्राउंड है, दे आर ओपन टू डू एनीथिंग, दे ह्यूमिलेट देमसेल्व्स एंड दे ह्यूमिलेट द चैनल, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। एनीवे आपके क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो को लेकर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप क्या चेंज चाहते हैं पाकिस्तान मीडिया में वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखें, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, कोशिश करें कि इस रमज़ान आप हेल्थी खाना खाएं, हेल्थी डाइट लें, आप हमारे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिसमें हमने मैंशन किया है कि व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।